नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको YouTube चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का वीडियो नंबर 9 लेकर के आया हूँ, जिसका क्वेश्चन इस तरह का है ना। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है। इसको जो है गौर से देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व होगा या फिर मेथड के अनुसार इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को इसके आधारित क्वेश्चन मैं कल एक बना चुका हूँ। आज थोड़ा यदि याद है तो हेल्प कीजिएगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट ओवर 1 + x / 169 = 14/13, ठीक है ना। x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, याद रहे। तो 1 + x / 169 को सिर्फ लिखेंगे तो ये रूट जो है ना बराबर के बाद जा करके स्क्वायर में चेंज हो जाता है, स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 + x / 169 = इसका स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 14 का 196, इसका 169, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x / 169 को बाहर निकालेंगे तो 196/169 घटा 1 हो जाता है, इधर जाकर के बराबर के बाद माइनस में हो जाता है। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 169 ही होगा, और यहाँ पर होगा कितना, 169 - 169, ठीक है, 196 - 169, ठीक है। अब वह इसका होगा 1 x / 169 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 हो जाएगा, कितना होगा, यहां पर हो जाएगा आपका 8 में से 6 जाएगा 2, उसके बाद 169, ठीक है। तो इसे तो ये कट ही गया ना, तो 1 जोड़ कितना हुआ, 27, यही तो आंसर आया, ठीक है। चलिए मैंने मेथड के अनुसार सॉल्व किया। अब सॉल्व करने का कारण मेरा यह था कि आप इसको कैसे मैं सॉल्व किया हूं आप समझ सके, ठीक है ना। वैसे आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में एन का वैल्यू ज्ञात करना है। √2k/n = 64, यही है ना। तो 2k/n = 64 का होल स्क्वायर कर देंगे, चूंकि रूट बराबर के बाद जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है, ठीक है। तो 2k/n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k, यहाँ पर लिख देते हैं 8k/2, कोई दिक्कत। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2k/n = 2k/3, है ना, k/2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2k/n = 3 × 6, हुआ ना, नहीं तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2k/n = 2k/6 × 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, इसका इससे कंपेयर डायरेक्ट करेंगे, इससे नहीं, ये तो बराबर हो गया ना, इससे नहीं करेंगे हम, एन का वैल्यू निकालेंगे तो जो पावर में रहेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 12, यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इतना करने का मतलब कि आप समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है। जैसे कह रहा है इसमें भी एन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, 1120/√(n) = 80, ठीक है, / 1 कुछ नहीं है तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे इस तरह से। तो इसमें करेंगे तो √(n) × 80 = 1120 हो जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, n = 1120/80, ये कट गया ना और ये 14 बार में कट गया। तो √(n) = 14 हो गया ना। अब n को सिर्फ निकालेंगे तो 14 के पावर हो जाएगा 2 रूट के बदले में, ठीक है। तो
रूट के बदला में 14 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 14 का स्क्वायर रूट 169 196 होता है, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x अपॉन रूट ओवर 2.25 इजकल टू 550। ठीक है, तो इसमें इसे गुणा करेंगे, इसमें इसे तो इसमें करेंगे तो x हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 550 इंटू रूट ओवर 2.25। ठीक है, ये हुआ ना है? तो x इजकल टू 550 इंटू रूट ओवर 225 अपॉन 100 हो सकता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 550 इंटू इसका स्क्वायर रूट 15 होता है और इसका 10 होता है, तो 10 कट गया ना 55 मारो, तो 55 गुना 15 बराबर कितना होगा, कितना होगा 55 बराबर 15, देख लीजिए कितना होता है, देख लीजिए इसमें इसमें इसे कीजिए इसमें इसे इसमें इसे इस तरह से 50 25 के 5 करी 2 25 5 3 2 32 के 2 करी 3। ठीक है, 5 3 8 825 ये आपका आंसर आया। ठीक है ना, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि रूट ओवर 18,225 का स्क्वायर रूट होता है 135, तो इस सब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही पे सॉल्व कर सकते हैं, 18,225 का स्क्वायर रूट दे दिया है ऑलरेडी 135, तो 135 इसके बदले में लिख दिया प्लस इसका वैल्यू कितना होगा, इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दो ऐसा ही 18,882.25। ठीक है, 182.25 की जगह पर हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पर 18,225 के बटा में लिख सकते हैं 10,000, चूंकि 4 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 18,225 के बटा लिख सकते हैं 1,2,3,4,5,6,0,1,2,3,4,5,6,10 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका 135 तो लिखेंगे ही, इसका स्क्वायर रूट 135 बटा यहाँ हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट 135 बटा इसका स्क्वायर रूट 100 प्लस इसका 135 बटा इसका स्क्वायर रूट 1000 हुआ ना। चलिए तो 135 प्लस 13.5 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा 1.35 होगा, इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 0.135 होगा। अभी सबको ऐड कर देना है, इस सबको ऐड कर देना है, तो जो लो इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कैसे हो सकता है बताइए, जोड़ लीजिए हो जाएगा कि बना दें, ऐड करना है। ये आंसर आ जाएगा सबको जोड़ेंगे तो, ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, शायद आप जोड़ सकते हैं इधर है ना रत्न करके। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले दे दिए हैं, रूट ओवर 6 प्लस 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 रूट ओवर 6 इनफिनिटी अनंत तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना
रूट ओवर 6 प्लस एक्स है ना बराबर एक्स। अब बराबर के दोनों तरफ इस बराबर है ना, बराबर के इधर भी स्क्वायर, बराबर के इधर भी स्क्वायर कर दे देते हैं, करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर से तो रूट कट गया तो 6 प्लस एक्स बच जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस छ माइनस एक्स इजकल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छ इजकल टू जीरो। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस छ इजकल टू जीरो। ठीक है, तीन दुनी का छ, तीन एक्स में से दो एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा। चलो इसमें दोनों में कौन मिल रहा है, x मिल रहा है ना, तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस इस दो से कट रहा है तो दो कॉमन लेंगे तो कितना होगा x माइनस थर्ड होगा इजकल टू जीरो। जो कॉमन लिए है उसको एक बार लिखेंगे x प्लस टू, और जो एक जैसा मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो दोनों के बराबर जीरो होंगे तो x बराबर माइनस टू होगा और एक होगा x बराबर तीन। तो इसमें जो माइनस रहता है उसको आंसर नहीं मानते हैं, जो प्लस में रहता है उसी को आंसर मानते हैं। तो ये प्लस में है ना, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट करें, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।